हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल प्रकाश फार्मा पे स्वागत है। तो बेसिकली आज हम एक पर्टिकुलर ऐसे टेबलेट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी जो वैरायटी है बहुत अलग अलग प्रकार की मार्केट में उपलब्ध है और उसके जो यूजेज है वो भी अलग अलग प्रकार के हैं। तो पूरा बात करेंगे यार डफराजा कार्ड 6 टेबलेट के बारे में। बने रहे वीडियो के आखिरी तक ताकि इससे रिलेटेड जो संपूर्ण बातें हैं आपको पता चल सके और आप कुछ अच्छा सीख सकें। तो नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि और आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए मैं आपका अपना साथी आपको कुछ अच्छा बताने के लिए वीडियो को आगे ले चलता हूँ। सबसे पहले मिलिए आइए हमारे प्रोडक्ट डफराजा कार्ड 6 mg के टेबलेट से। मैं एक बार फिर से कंफर्म कर दे रहा हूँ कि जो भी दवाएं बताई जा रही हैं आपको सूचनाएं देने के लिए और जानकार बनाने के लिए बताई जाती हैं, कोई भी दवा बिना डॉक्टर के संपर्क के नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं इस टेबलेट के यूजेस की, इसके डोज की, इसके साइड इफेक्ट की और कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं डफराजा कार्ड 6 mg टेबलेट के बारे में। इसके अलग अलग प्रकार के वेरिएंट मार्केट में उपलब्ध हैं। बेसिकली 6 mg, 12 mg, 18 mg और 24 mg का जो टेबलेट है आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन मोस्टली जो भी डॉक्टर्स लिखते हैं या फिर जो भी आपको मेडिकल शॉप पे मिलेगा वो 6 mg का डफराजा कार्ड टेबलेट होगा। हम बात करें इसके कैटेगरी की, तो बेसिकली एक स्टेरॉयडल फॉर्म की दवा होती है। स्टेरॉयडल यानी स्टेरॉयड दवा होती है जो कि ग्लूकोकॉर्टिकोसाइड स्टेरॉयडल फॉर्म की दवा होती है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसी जगह है जहाँ पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो विस्तृत बात करेंगे क्योंकि जो ये दवा है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम की दवा है तो इसका जो यूज है वो बहुत अलग अलग स्थानों पे किया जाता है। चलिए हम बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर यूज की जहाँ पे आप इसका प्रयोग नियमित तौर पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, ये एक ऐसी प्रकार की दवा है जो आपको इन्फ्लामेशन में काम आएगी, यानी आपको कहीं सूजन है या फिर जलन की परेशानी है, मान लीजिए आपके लीवर में सूजन है या फिर आपको किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, यानी आपको यूरिनरी ट्रैक से कोई भी प्रॉब्लम है, उसके इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, वहाँ पे आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आपको RTI से कोई दिक्कत है यानी रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की कोई दिक्कत है, आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है या COPD की प्रॉब्लम है, यानी COPD एक ऐसी प्रकार की डिजीज होती है जो अस्थमा से रिलेटेड होती है जिसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के नाम से जाना जाता है। या फिर आपको बहुत ज़्यादा खांसी आने की दिक्कत हो, आपको ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम यानी TB की प्रॉब्लम हो, या फिर आपके सीने में दर्द होता रहता हो, आप इसिनोफिलिया के पेशेंट हो, या फिर आपको गठिया रोग की प्रॉब्लम हो यानी गांठों में आपके इन्फ्लामेशन हो, सूजन बहुत ज़्यादा होती हो, तो इन सब जगहों पर अमूमन इस टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस टेबलेट का प्रयोग कुछ ऐसी कंडीशन में भी किया जाता है, मान लीजिए कि आपकी दवाओं का जो काम होता है उसे बढ़ाना है, यानी स्टेरॉयडल फॉर्म की ऐसी दवाएं होती हैं जो दवाएं आप इसके साथ कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, उसके काम को बढ़ा देती हैं, इस तरह से भी इसका प्रयोग किया जाता है। हम चलिए बात कर लेते हैं कुछ नॉर्मल कंडीशन पे जहाँ पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बेसिकली एक स्टेरॉयडल फॉर्म की दवा जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो आपको अगर एक्जिमा की प्रॉब्लम है यानी आपके शरीर पे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, आपका शरीर लाल पड़ गया है, आपकी खुजली नहीं ठीक हो रही है, तो उन जगहों पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको गम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है यानी आपके मसलों में सूजन होती है, या फिर आपके आंतों में कोई इन्फेक्शन है तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, या आपकी स्किन में दाद की समस्या यानी रिंग वार्म की समस्या है तब भी आप इस टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके डोजेज फॉर्म की और कौन सा ऐसा टाइम पीरियड है जब आपको इसको नहीं खाना चाहिए। तो बेसिकली जो इसके डोजेज फॉर्म की बात करें तो एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है जिसका वेट करीब 40 से 45 किलो से ज़्यादा हो और उसकी उम्र करीब 17 साल से ऊपर हो तो वो 6 mg का टेबलेट सुबह शाम या फिर 3 टाइम अपने कंडीशन के अनुसार इस्तेमाल कर सकता है। बेसिकली 6 mg का टेबलेट ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि जो 12 mg के टेबलेट और 18 mg के टेबलेट हैं वो डॉक्टर के देख रेख में बहुत ही सीरियस कंडीशन में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ये एक OTC दवा भी है यानी ओवर टू काउंटर दवा है जिसका प्रयोग आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए। चलिए हम बात कर लेते हैं कि आप इसे प्रेगनेंसी में या फिर हाइपरग्लाइसीमिया स्टेज में यानी आपको जो डायबिटिक पेशेंट है तब भी इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आप एक प्रेग्नेंट लेडी हैं तब भी इस दवा का प्रयोग कर सकती हैं, अगर आप एक हाइपरग्लाइसीमिया के पेशेंट हैं यानी डायबिटिक के पेशेंट हैं तब भी आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक प्रेग्नेंट लेडी हैं तो इस दवा का प्रयोग बिना पहले डॉक्टर के सलाह के ना करें, यह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की और इसके मार्केट ब्रांड नेम की। तो बेसिकली इस टेबलेट को लेने के बाद आपको कुछ नोजिया की प्रॉब्लम हो सकती है यानी आपको कुछ वोमिटिंग सा फील हो सकता है, आपको कुछ चक्कर आने की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको कुछ कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। इससे इसके कुछ बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। हम बात करें इसके मार्केट वैल्यू और ब्रांड की, तो बेसिकली ये डफराजा कार्ड 6 के नाम से
डेफेक्ट 6 के नाम से या फिर डफलाजा कार्ड प्लेन के नाम से मार्केट में आपको मिल जाएगा। थोड़ा जो टेबलेट होता है थोड़ा कॉस्टली आपको पड़ेगा, करीब 7 रुपये से लेकर 11 रुपये के बीच में आपको मार्केट में दिखाई पड़ सकता है। तो ये रही डफलाजा कार्ड 6 के बारे में कुछ जानकारी, कुछ रोचक बातें जो आपको भी पसंद आई होंगी। आशा करते हैं कि जो भी यूज आपको बताया गया है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं यानी आप रूरल एरिया में क्लिनिक चलाते हैं तब भी आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आप नए हैं चैनल पे यानी पेशेंट हैं जो डफलाजा कार्ड का प्रयोग कर रहे हैं तब भी आपको पता चला होगा कि ये जो टेबलेट है किन किन परेशानियों में ली जाती है। तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। मैं आपका अपना साथी, इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल प्रकाश फार्मा पे प्रोवाइड करता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस दवा का बताए गए तरीके से प्रयोग करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।